हेलो, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम प्रतीक तोमर है। टीचिंग एप्टीट्यूड हमारा यूनिट 1, इसका क्लास नंबर 3 है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, ये हमारा टॉपिक रहने वाला है आज का। जून 2024 वाले एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, और सिर्फ नेट नहीं, JRF को टारगेट कर रहे हैं। तो अपने दिमाग में आप ही ये जो है डाल के रखिए कि JRF हमें क्लियर करना है। एक बार जो है आगे बढ़ने से पहले अपने बारे में बता देता हूँ, आप क्योंकि बहुत सारे नए बच्चे रेगुलर हमें देख रहे हैं, और ये जो है आपको बताना जरूरी है कि मेरा नाम प्रतीक तोमर है, मैं आपके पेपर 1 का एजुकेटर हूँ। ये रहे मेरे क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस। मैंने JRF अपना दिसंबर 2022 वाला जो अटैम्प्ट था उसमें मैंने दिया था। फर्स्ट अटैम्प्ट मेरा ऑल इंडिया रैंक 96 के साथ क्लियर हुआ। मल्टीपल एग्जाम्स मैंने क्लियर किए हुआ है, टीचिंग रिलेटेड सिल्वर मेडलिस्ट रहा हूँ बीएड में, यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर BVA में रहा हूँ। 3 साल का ऑनलाइन ऑफलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस है, और 1 साल से JRF के जो एस्पिरेंट्स हैं, यानी कि जो नेट JRF के एस्पिरेंट्स हैं, तो उनको मेंटोर कर रहा हूं। और मेरे मेंटरशिप में जो है 3 लोग अभी तक JRF क्लियर कर चुके हैं, तो ये भी मैं आपको बता दूं। बढ़ते हैं आगे। और अभी तक अगर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप फॉलो नहीं कर रहे हो ज्ञानस्थली को, तो क्या कर रहे हो, आप फॉलो करिए। टेलीग्राम पे हमारा ये हैंडल है @GYANSTHLI। तो या तो ज्ञानस्थली क्लासेस सर्च कर लीजिए भाई, ज्ञानस्थली क्लासेस भाई अलका मैम ऐसे करके होगा, और नहीं तो आप जो है ज्ञानस्थली ऐसे करके टेलीग्राम पे सर्च करिए। व्हाट्सएप पे कोई भी क्वेरी कंसर्न हो तो आप जो है वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, और यूट्यूब पे आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ज्ञानस्थली आपके लिए लाता है बहुत ही बेहतरीन कंटेंट। और अगर आप बात करते हैं कोर्सेज की, तो जितने कम से कम रेट्स में अवेलेबल करा सके हम लोग, उतना हमारा ये प्रयास रहता है, ये ज्ञानस्थली का प्रयास रहता है। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है हमारा एकलव्य बैच है, और एकलव्य बैच का हमारा आज वीडियो नंबर 3 है। UGC NET Paper 1 को हम टारगेट कर रहे हैं, और इस बैच में आपको मिलेगा क्लास, इसमें मिलेगा आपको टेस्ट सीरीज, और इसके साथ साथ आपको इसमें क्लास नोट्स भी देखने को मिलेगा। ये प्राइस है इसका 1500 रुपीज़ बैच का, बहुत ही जो है जेन्युइन और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस रखा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो 1500 रुपीज़ जो है ये इस बैच का कॉस्ट है, जो Paper 1 का है। और अगर आप ये कूपन लगाते हो, डिस्काउंट कूपन है PS100, तो आपको इस पर भी अभी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि किस जो है कितने कम रेट्स में ये अवेलेबल कराया गया है आपको। और कोई भी आपको क्वेरी कंसर्न हो तो कॉल कर सके, आप जो है यहाँ पे कॉन्टैक्ट करके पता कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने कंटेंट पे। तो ये हमारा क्लास नंबर 3 जो है ये बेस्ड होगा टीचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स और बेसिक रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, बेसिक रिक्वायरमेंट किस चीज़ का, टीचिंग के लिए, व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स दैट इज रिक्वायर्ड। और इसके साथ साथ टीचर के भी कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग देखेंगे, क्योंकि टीचिंग में जो है बात जब हम कर रहे हैं तो उसमें टीचर जो है उसके बारे में बात होगा ही। टीचर के कैरेक्टरिस्टिक, टीचर के क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होने चाहिए, और जो टीचिंग लर्निंग के लिए हमें क्या क्या जो है चीज़, किन किन चीज़ों का ध्यान में रखना होता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो इसको हम देखें अगर हिंदी में, तो शिक्षण विशेषताएं और बुनियादी आवश्यकताएं, ये हमारा आज का जो है टॉपिक रहने वाला है। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो टीचिंग है ये एक प्रोसेस है। देखिए, स्टार्ट कोई भी क्योंकि ये टीचिंग से ही रिलेटेड सब चल रहा है, तो पहले टीचिंग के बारे में हर क्लास में हमें जानना, जो ये 3 क्लासेज हुए हैं इसमें ज़रूरी है। तो टीचिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज। ठीक है, ये क्या है कि भाई ये नॉलेज इम्पार्ट आप करते हो टीचिंग में, क्या करते हो टीचिंग में जो है, एक तरीके से देखें तो नॉलेज का आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, ट्रांसमिट कर रहे हो। लेकिन ये क्लासिकल अप्रोच हो गया। मॉडर्न अप्रोच में देखें तो एक फैसिलिटेटर की तरह काम करना है टीचर को, तो फैसिलिटेशन प्रोवाइड करना, गाइडेंस प्रोवाइड करना, ये भी टीचिंग का पार्ट है। इसके साथ साथ स्किल्स को इम्पार्ट करना, ठीक है, वैल्यूज़ को इम्पार्ट करना फ्रॉम अ टीचर टू अ लर्नर, क्योंकि टीचर जो है ना, इनके पास ज़्यादा क्षमताएं हैं, ज़्यादा कौशल है, और जो लर्नर है उनमें कम है, तो इसलिए टीचर टू लर्नर। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स फैसिलिटेटिंग लर्निंग थ्रू क्या, वेरियस मेथड्स, अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरीकों से जो है सीखने की सुविधा को प्रदान करते हैं, और इसके साथ साथ ऐसी तरीके से पढ़ाते हैं कि जिससे समझ का विकास हो सके। ठीक है, जो अंडरस्टैंडिंग हो वो डेवलप हो सके, जिससे हम जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग कर पाए, यानी आलोचनात्मक जो है यहाँ पे सोच को प्रमोट करते हैं, बढ़ावा देते हैं। अगर हम बात करें एक इसके डिक्शनरी मीनिंग को देखते हैं, तो टीचिंग को डिक्शनरी में क्या बोला जाता है, द एक्ट और प्रोफेशन ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज और स्किल। ठीक है, ये इसका डिक्शनरी मीनिंग है। और इसको बोला गया है द ऑक्यूपेशन, द प्रोफेशन और अ वर्क ऑफ अ टीचर।
ठीक है। तो टीचिंग को क्या है, टीचिंग इज द एक्ट ऑफ प्रोफेशन ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज और स्किल एंड द ऑक्यूपेशन प्रोफेशन और वर्क ऑफ अ टीचर, ठीक है। तो यहाँ पे सोर्सेज क्या हैं उसको भी मैंने लिख दिया, ये मेरियम वेबस्टर और ये ऑक्सफोर्ड इंग्लिश का। तो जो है ज्ञान या कौशल प्रदान करने का जो कार्य है ना, ये शिक्षक का और ये जो शिक्षक का व्यवसाय पेशा या कार्य के रूप में इसे देखा जाता है। और अगर हम देखें तो ये बौद्धिक विकास को बढ़ावा देकर, ज्ञान की आजीवन खोज को बढ़ावा देकर, व्यक्ति और समाज को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। तो ये जो है रहा टीचिंग के बारे में, आगे बढ़ते हैं और कैरेक्टरिस्टिक जो हमारा आज का टॉपिक है उस पर हम आते हैं और ये देखते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं टीचिंग के। तो सबसे पहला हमारा आ जाता है संचार कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। तो जो इफेक्टिव टीचर्स होते हैं ना, उनको क्या होना चाहिए, उनके अंदर एक क्लियर और आर्टिकुलेट कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, ठीक है। मैं कुछ अगर आपको समझा रहा हूँ और आप उस चीज़ को समझ पा रहे हो तो मैं जो है सफल हूँ अपने उस चीज़ को समझाने में जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो जो भी आप पढ़ रहे हो अगर आपको समझ में आ जा रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, यानी कि वहीं पर एक टीचर जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है, ठीक है। तो टीचर क्या करता है, टीचर को एंश्योर करना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए कि जो उसके विद्यार्थी हैं ना वो उन उसके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी अवधारणाएं हैं उनको ईजिली समझ सके, ठीक है। जो उनके स्टूडेंट्स हैं वो जो भी कॉन्सेप्ट समझा रहा है टीचर उसको समझ सके, ग्रैब कर पाए उस चीज़ को। दूसरा क्या होना चाहिए भाई टीचिंग का करेक्टरिस्टिक जो टीचर का होना चाहिए वो क्या है, पेशेंस एंड एम्पथी। भाई देखिए एक शिक्षक जो है ना उसको जो है जो भी बच्चे हैं वो एक रोल मॉडल की तरह देखते हैं। आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि जो टीचर होता है ना, जो शिक्षक होता है वो एक रोल मॉडल होता है। और अगर आप आपा खो दे रहे हो, है ना, यू आर लूजिंग पेशेंस, यू आर नॉट हैविंग एम्पथी, अगर आपके पास धैर्य नहीं है, सहानुभूति नहीं है, तो आप जो है एक अच्छा एग्जाम्पल सेट नहीं कर पाओगे, ठीक है, एक बढ़िया एग्जाम्पल नहीं सेट कर पाओगे। और आपसे जो है बच्चे सीखने के बजाय आपके गलत व्यवहार को जो है वो फॉलो करने लगेंगे, क्योंकि बच्चे जो है वो सीखते हैं, अभी जैसे उनका एज कम होता है तो वो सीखते हैं चीज़ों को देख के भी, ऑब्जर्व करके भी। सो धैर्य और सहानुभूति यानी पेशेंस एंड एम्पथी ये जो है ना क्रूशियल होते हैं अगर हम बात करें समझ के विकास के लिए। और इसके साथ साथ जो है ना जो अलग अलग विविध तरीके के नीड्स हैं बच्चों के, जो ज़रूरतें हैं अलग अलग, जो डाइवर्स नीड्स हैं स्टूडेंट्स के, उनको भी केटर करने में ये पेशेंस और एम्पथी की वजह से हेल्पफुल हो पाता है जो टीचर कर पाता है। जो तीसरा पॉइंट है टीचर को, जो टीचर के अंदर होना चाहिए वो है अडैप्टेबिलिटी, ठीक है, अनुकूलनशीलता। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो सफल शिक्षक वही है जो कि अपने टीचिंग मेथड में नए चेंजेस को अडाप्ट कर पाए, अपने बच्चों के जो इंडिविजुअल डिफरेंसेज हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी विद्यार्थी हैं, उनमें क्या होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं, है ना। इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब क्या होता है कि भाई अलग अलग विविधताएं होती हैं, ठीक है, सबके अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं। तो उन डिफरेंसेस के ऊपर बिल्डअप करिए, ना कि एक उसको ब्लॉक मानिए, ठीक है। तो उसको रोड ब्लॉक ना मान के उनके उस इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ऊपर बिल्डअप करिए और बिल्ड करके और बेहतर से बेहतर तरीके से नए नए तरीके ईजाद करिए, खोजिए कि किन तरीकों से आपके स्टूडेंट्स हैं जो आपके विद्यार्थी हैं उनको समझ में आता है, और उन लर्निंग स्टाइल्स को आप अडाप्ट करिए। तो टीचर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अगर हम देखें कैरेक्टरिस्टिक जो है ना वो होता है अडाप्टेबिलिटी यानी अनुकूलनशीलता। तो सफल शिक्षक वही है जो अपने कक्षा में विविध तरीके के जो है विद्यार्थियों के अलग अलग ज़रूरतों को देखते हुए अपने लर्निंग स्टाइल, अपने टीचिंग स्टाइल में चेंजेस कर पाए, अपने टीचिंग मेथडोलॉजी में चेंज कर पाए, ताकि वो बेहतर जो है लर्निंग हो पाए ओवरऑल। क्योंकि हमारा एंड गोल क्या है कि जो लर्निंग है वो बेहतर हो, जो बिहेवियरल चेंजेस आए बच्चों में, जो स्टूडेंट्स हैं विद्यार्थी हैं उनमें चेंजेज आए वो बेहतर हो। आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे कैरेक्टरिस्टिक में देखें तो नॉलेज बेस, ठीक है, नॉलेज बेस जो है ना वो बेहतर होना चाहिए। अगर एक टीचर को आप देख रहे हो ना तो उसको अपने विषय पे मास्टरी होना चाहिए यानी निपुणता होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि टीचर को जो है वो चीज़ वो कॉन्सेप्ट खुद नहीं उसके उसको क्लियर है और वो जो है अपने विद्यार्थियों को कैसे क्लियर कर पाएगा उस कॉन्सेप्ट को। तो देखिए जैसे मैंने भी अपना एग्ज़ाम क्लियर किया है, तो मैं जैसे मैंने JRF क्लियर किया है ना, तो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। तो मैं जानता हूँ कि वॉट आर अ थिंग्स विच यू नीड टू टेक केयर ऑफ, ठीक है, आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी जिससे कि आप यहाँ तक पहुँच पाओगे, JRF क्लियर कर पाओगे। इसके आगे भी अगर आपको रिसर्च करना है
और बहुत सारे आजकल तो रिसर्च एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, तो उसमें कैसे आपको किट करना होगा, साथ ही कैसे आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सको, तो वो कौन बताएगा? जो वहाँ तक हो आया है, जो जो उस चीज़ को अपने अंदर उसके है, मास्टरी है अगर सब्जेक्ट का, तो वो बताएगा, ठीक है। इसीलिए विषय निपुणता बहुत ज़रूरी है। अ स्ट्रॉन्ग कमांड ऑफ द सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट मैटर है ना उस पर कमांड होना चाहिए, क्योंकि इससे ही क्या होती है, एक्यूरेसी और क्रेडिबल टीचिंग जो है ना ये सामने आता है। क्या कि भाई जो भी होगा, जो भी आप पढ़ा रहे हो ना, वो सटीक होना चाहिए। मतलब उसके पीछे जो है ना कुछ रिसर्च हुआ हो, ऐसा ना हो कि आप हवा में कुछ पढ़ा रहे हो उसका कोई मतलब ना हो, ठीक है। और इसके साथ साथ एक जो है क्रेडिबल टीचिंग होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि आपके ऊपर स्टूडेंट जो है ना वो विश्वास कर सके। मैं अगर आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप पेपर वन यहाँ से करोगे तो आप जो है कितने क्वेश्चन सही कर पाओगे, मिनिमम आप, मैं आपको बोल रहा हूँ मान लो कि 40 क्वेश्चन 40 प्लस आप कर पाओगे, ठीक है। तो एक क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए ना मेरे बातों में, कि जो मैं बोल रहा हूँ और जो मैं कर रहा हूँ उन दोनों में जो है समन्वयता होनी चाहिए, यानी सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, तो वो इम्पॉर्टेंट है। ये एक अगला जो है हमारा कैरेक्टरिस्टिक जो देखते हैं, तो ये है पेडागॉजिकल नॉलेज, ठीक है, यानी शैक्षणिक ज्ञान। किस तरीके से अलग अलग स्टूडेंट्स के अलग अलग नीड्स को केटर करना है, तो ये पेडागॉजी में हम सीखते हैं, ठीक है। तो जैसे अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग मेथोडोलॉजीज, कैसे पढ़ाना है, किन तरीकों से, किन मेथड्स का यूज करना है, ठीक है, और किन किन थ्योरीज को ध्यान में रखना है, कि भाई आप ऐसा ना हो कि आप क्लास फिफ्थ के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक, क्लास फिफ्थ के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, यानी ये प्राइमरी के स्टूडेंट्स हैं, और आप जो है उनको पढ़ा रहे हैं कौन से स्टाइल में, लेक्चर स्टाइल में, और लेक्चर स्टाइल में आप जो है हायर एजुकेशन को पढ़ाएं तो समझ में आता है, लेकिन यहाँ पे तो आपको उस स्टाइल में आपको नहीं पढ़ाना है, यहाँ पे एक्टिव लर्निंग कराना होगा, ठीक है, एक्टिव लर्निंग कराना होगा, जहाँ लर्नर का पार्टिसिपेशन जो है वो अटमोस्ट प्रायोरिटी होता है उसका, है ना, तो वो चीज़ जो है ना यहाँ पे आपको देना होगा, लेकिन आप नहीं करा रहे हो क्योंकि आपके पास पेडागॉजिकल नॉलेज नहीं है, आपके पास शैक्षणिक ज्ञान नहीं है, ठीक है। तो शिक्षण पद्धति और शैक्षणिक सिद्धांतों को समझने में जो निर्देशात्मक रणनीतियों में वृद्धि होती है, ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग टीचिंग मेथोडोलॉजी एंड पेडागॉजिकल थ्योरीज एनहेंसेस क्या, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज, ठीक है, जो भी इंस्ट्रक्शन देते, देखो टीचिंग को इंस्ट्रक्शन भी बोला जाता है ना, तो जो भी आपके इंस्ट्रक्शन के स्ट्रेटजी है ना उनमें वृद्धि आएगी अगर आप एक बेहतर टीचिंग मेथोडोलॉजी यूज़ करो, एक बेहतर पेडागॉजिकल थ्योरी का यूज़ करके अपने बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, उनके लेवल को ध्यान में रखते हुए उनको पढ़ाओ। तो आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया हो, सब कुछ क्लियर हो, और जो भी मैं बता रहा हूं वो आप समझ पा रहे हो। देखिए आपको भी अपने तरफ से काफ़ी कोशिश करना होगा और मैं अपने तरफ से 100% दूंगा, और मैं आशा करता हूं कि इस हम दोनों की जो है कोशिश से बेहतर रिजल्ट हम ला सकेंगे। हमारा जो है अगला करेक्टरिस्टिक हम देखते हैं, तो क्लासरूम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर एक टीचर के टीचिंग के करेक्टरिस्टिक्स में देखें तो क्लासरूम मैनेजमेंट में क्या आ जाता है, सबसे पहला कि ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो वेल ऑर्गेनाइज टीचर्स क्रिएट अ स्ट्रक्चर्ड लर्निंग एनवायरमेंट, ठीक है, जो भी सुव्यवस्थित तरीके के शिक्षक हैं ना वो क्या करेंगे, वो एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग एनवायरमेंट बनाते हैं, यानी कि एक संरचित सीखने का माहौल बनाते हैं, और इससे क्या होता है कि जो फोकस होता है और जो एंगेजमेंट होता है यानी जुड़ाव होता है वो प्रमोट होता है। एंगेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए आप जो है क्लास में आते हो, ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए इस फोटो को, देखिए इस पिक्चर को, देखिए यहाँ पे टीचर देखिए कैसे सेंटर में है और कैसे बच्चे जो है चारों तरफ से यहाँ पे बैठे हुए हैं, है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि टीचर एंगेज कर रही हैं, मतलब कि बच्चों से बातचीत कर रही हैं, ठीक है, बातचीत करिए, उनसे क्वेश्चनिंग करिए, उनमें क्यूरियोसिटी जगाइए, ठीक है, वो क्यूरियस होने चाहिए, वो आपसे सवाल पूछे तो आप जो है झिझकिए मत, आप जवाब दीजिए, आप उनसे बातें करिए, उनके अंदर जो है बात करने से क्या होता है ना कि एक जो आपसी जो झिझक होता है वो ख़त्म हो जाता है, फिर वो अपने सवाल पूछ पाएंगे, और जितने क्वेश्चन आ रहे हैं मतलब कि आप जो है अपने काम में सफल हो रहे हो, ठीक है, तो इससे फोकस भी प्रमोट होता है। वेल ऑर्गेनाइज टीचर क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जिससे फोकस भी एनहेंस होता है और एंगेजमेंट भी बढ़ता है, और जितना क्लास एंगेज होगा उतना ज़्यादा बेहतर टीचिंग होगा। अब आ जाते हैं हम अपने अगले करेक्टरिस्टिक पे, जो है डिसिप्लिन। देखिए टीचर जो है ना, जो एक शिक्षक है ना, वो एक अनुशासन की मूर्ति है, इतना मान के चलिए। आप अगर डिसिप्लिन नहीं रहोगे ना तो आप अपने बच्चों को नहीं सिखा पाओगे कि डिसिप्लिन कैसे रहना चाहिए, अपने स्टूडेंट्स को, अपने विद्यार्थियों को नहीं सिखा पाओगे। आप एक रोल मॉडल हो, तो इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट में है क्या होता है कि भाई एक तो डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डिसिप्लिन ये होना चाहिए कि भाई क्लियर एक्सपेक्टेशन हो, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स आपके क्लियर हो, ठीक है, और
जो कक्षा प्रबंधन कर रहे, जो क्लासरूम मैनेजमेंट कर रहे हो ना, उसमें आप जो है ऐसा ना हो कि कंसिस्टेंसी की कमी हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि एक दिन आप मंडे तो आपने बहुत अच्छे से सब कुछ कर दिया उस क्लासरूम मैनेजमेंट में, आपने जो है स्टार्टिंग में आते आते होमवर्क वगैरह चेक किया, फिर आपने क्लास में जो है अच्छे से टीचिंग कराया, फिर होमवर्क भी दिया, हर चीज़ किया, लेकिन ट्यूसडे को आप नहीं कर रहे हो, तो ये कंसिस्टेंसी नहीं हुआ ना। तो देखिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन होना चाहिए, और इसके साथ साथ जो है ना, जो भी क्लियर ऑब्जेक्टिव्स हों वो क्लियर होने चाहिए, ताकि बच्चों को भी पता हो कि क्या हो, मतलब क्लासरूम में क्या होने वाला है, ठीक। तो इससे एक डिसिप्लिन जो है वो मेंटेन होता है, और बच्चों के अंदर भी वो चीज़ें जाती हैं, ठीक। अपने अलग अगले करेक्टरिस्टिक को देखें तो मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन, ये हमारा अगला पॉइंट है। इसमें सबसे पहले तो है इंस्पिरेशनल लीडरशिप, यानी प्रेरणादायक नेतृत्व, ठीक है। टीचर्स जो है ना वो इंस्पायर करते हैं स्टूडेंट्स को। कैसे इंस्पायर करते हैं भाई? क्योंकि वो पैशनेट होते हैं। एक टीचर वही है जो पैशनेट है, पैशनेट अबाउट हिज सब्जेक्ट, पैशनेट अबाउट द डिसिप्लिन विच ही इज टीचिंग, ठीक है। जो भी वो पढ़ा रहे हैं उनमें उनको जो है ना एक जुनून होना चाहिए, एक पैशन होना चाहिए उनके अंदर वो चीज़ करने का, ठीक है। और इससे क्या होता है ना कि जो लव फॉर लर्निंग होता है ना, ये फॉस्टर होता है, मतलब कि बढ़ावा मिलता है, ठीक। तो जैसे यहाँ देखिए कि प्रेरणादायक नेतृत्व जो है ना, वो शिक्षक अपने विषय के प्रति जुनूनी होकर और सीखने के प्रति प्रेम को बढ़ावा देकर छात्रों को प्रेरित करते हैं। तो जो स्टूडेंट्स हैं ना वो इस चीज़ को देख के इंस्पायर हो जाएंगे कि उनके टीचर जो है ना वो पढ़ाई से, अपने सब्जेक्ट से कितना प्यार करते हैं, कितने अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। तो वो एक इंस्पिरेशनल लीडरशिप की तरह काम करेगा, उन बच्चों में एक इंस्पिरेशन भरेगा। दूसरा जो है ना, ये हमारे मोटिवेशन इंस्पिरेशन का दूसरा पॉइंट है, मोटिवेशनल टेक्निक्स, ठीक है। तो देखिए, मोटिवेशन आपको भी पता है कि एक होता है आंतरिक मोटिवेशन यानी इंट्रिंसिक, और एक होता है बाह्य यानी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है ना, वो सबसे अच्छा मोटिवेशन माना जाता है। जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, जैसे कोई आपको गिफ्ट दे रहा है तो उसकी वजह से आप पढ़ रहे हो, कोई आपको जो है, आप जो है पैसे के लिए पढ़ रहे हो, और जो इंट्रिंसिक है ना कि आप इंजॉय कर रहे हो पढ़ाई में, यू आर इंजॉइंग योर लर्निंग, आप कुछ सीखने के लिए, स्किल्स डेवलप करने के लिए पढ़ रहे हो, तो ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो गया। तो देखिए, यूटिलाइजिंग वैरिड मोटिवेशनल टेक्निक्स, इससे क्या होता है ना कि अलग अलग मोटिवेशनल टेक्निक से स्टूडेंट्स जो है ना एंगेज्ड रहते हैं, उनके अंदर जो है ना सीखने की जो ललक होती है वो रहती है, ठीक है। जो लर्निंग प्रोसेस है ना उसके लिए वो जो है ना काफ़ी ज़्यादा उत्साहित रहते हैं, ठीक है, एंथुजियास्टिक रहते हैं। तो विभिन्न प्रेरक तकनीकों का उपयोग छात्रों को सीखने की प्रक्रिया में व्यस्त और उत्साहित रखता है, ठीक है। तो अभिप्रेरणा और प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन इंस्पिरेशन आप समझ सकते हो कि क्यों इंपॉर्टेंट है, एक टीचिंग कैरेक्टरिस्टिक में क्यों इसको रखा गया है। अपने अगले पॉइंट पे चलें तो असेसमेंट एंड फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, टीचिंग में। क्योंकि भाई, जो आप पढ़ा रहे हो उसको आप असेस भी तो करोगे ना। असेसमेंट का मतलब क्या हुआ कि आप जांचोगे, ठीक है, मूल्यांकन करोगे और प्रतिक्रिया लोगे, फीडबैक लोगे, ठीक है। फीडबैक इन द सेंस आप जो है क्वेश्चन पूछ के ये भी देख सकते हो कि आपने कैसा पढ़ाया है, आपके पढ़ाना, आपका जो भी आप शिक्षा दे रहे हो उसकी सफलता तभी मानी जाएगी अगर स्टूडेंट्स को वो चीज़ समझ में आ गई जो आप समझाना चाह रहे हो। तो इसमें आ जाता है सबसे पहला असेसमेंट एंड फीडबैक में फेयर इवेल्यूएशन, यानी निष्पक्ष मूल्यांकन होना चाहिए, ठीक है। तो जो शिक्षक होंगे ना वो, उनको बायसनेस नहीं रखना चाहिए, ठीक है, किसी भी तरीके का झुकाव नहीं होना चाहिए किसी एक स्टूडेंट्स के लिए या ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो एक फेयर यानी कि एक जो है ना निष्पक्ष और पारदर्शी मूल्यांकन होना चाहिए, यानी फेयर एंड ट्रांसपेरेंट असेसमेंट होना चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं ना उनके अंदर भी एक विश्वास जाग सके, एक उनके अंदर भी ये हो कि हाँ, अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो ऑन द बेसिस ऑफ माय वर्क आई हैव बीन टेस्टेड, ना कि मेरे लुक्स के वजह से, ना कि मेरे फेवरिज्म। तो किसी भी तरीके का फेवरिज्म आप नहीं करोगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट पहले हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो बहुत टीचर्स ऐसे मिलते थे हम लोग को जो ये फेवरिज्म करते थे, कुछ बच्चों के साथ वो पार्शियलिटी करते थे, कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा वो प्रमोट करते थे और कुछ बच्चों को बिल्कुल ही वो लाइक नहीं करते थे। दैट शुड नॉट बी अ टीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। द सेकेंड वन इज कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, ठीक है, रचनात्मक प्रक्रिया जो है ना, ये हमारे लिए हमारा सेकेंड ये असेसमेंट एंड फीडबैक का पॉइंट है। प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, जो भी फीडबैक है ना वो आप उनको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दो। अगर कोई बच्चा जो है ना कोई गलती कर रहा है तो उसको सिखाने के लिए आप उसको एक बेहतर फीडबैक दो, उनको एक राह बताओ, उनको गाइड करो, ठीक है। टीचर
ऑल्सो एक्ट्स एज अ गाइड, ठीक है, आप उनके लिए गाइड भी हो, आप उनके लिए मोटिवेटर भी हो, मेंटोर भी हो, हर चीज हो, ठीक है। तो फीडबैक, एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दो, एक रचनात्मक प्रतिक्रिया दो, ताकि छात्र जो है ना, जो स्टूडेंट्स हैं, वो अपने स्ट्रेंथ को जान सके और अपने एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट को भी जान सके कि किन चीज़ों में उनको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, है ना। ऐसा ना हो कि आप गलत को भी सही कह के उनको खुश करने के लिए गलत को भी सही कह दो, नहीं। एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक इंपॉर्टेंट होता है टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस होता है उसमें। तो रचनात्मक प्रतिक्रिया जो है ना, ये बहुत जो है ज़रूरी है, ताकि बच्चे अपने ताकत को पहचान सकें, अपने स्ट्रेंथ्स को जान सकें, और जो उनके सुधार के क्षेत्र हैं, जो एरिया जो इम्प्रूवमेंट है, उनको समझने में उनको मदद मिले। हमारा अगला पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी। तो जो टीचर है ना, वो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए करिकुलम में। देखिए, टीचिंग कैरेक्टरिस्टिक में अगर हम बात करें तो टीचर भी आ जाता है करिकुलम। देखो, करिकुलम भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है, करिकुलम भी हमारा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। हमारे जो टीचिंग स्टाइल है, ये भी, इसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप एक ही टीचिंग स्टाइल से जो है में स्टिक हो। और इससे क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होने से क्या होता है कि बच्चे जो है ना, वो बोर नहीं होते हैं, पहली चीज, एंगेज्ड रहते हैं, इंटरेस्टेड रहते हैं, ठीक है, बच्चे जो है वो इंटरेस्टेड रहते हैं, और उनमें एक जो है जोश बना रहता है, एक सीखने की ललक होती है, ठीक है। तो जो भी चेंज आए उसको अडाप्ट करिए। जैसे अभी, जैसे आप देख रहे हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है, मैं बार बार स्पेस लिए जोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि देखिएगा आप, 2024 जो है ये पूरा ईयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ईयर होने वाला है। तो हम लोग को एज अ टीचर जो है ना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दूर ना भाग के हमें सीखना चाहिए कि कैसे इसका हम यूज कर सकें, ठीक है। तो हमें चेंज को अडाप्ट करना होगा, जैसे जैसे नए नए टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनका यूज करना सीखना होगा, ना कि एक जो है हमें देखें तो कॉन्क्रीट तरीके से एक्ट ना करके एक फ्लेक्सिबल तरीके से, ठीक है, एक लचीलापन लाना होगा, ताकि हम क्या कर सकें, छात्रों की ज़रूरतों को समझ सकें और बदलते जो है शैक्षणिक परिवेश को के आधार पर शिक्षण की अपनी रणनीतियों को भी बदल सकें, ठीक है। तो हम देखते हैं कि द एबिलिटी टू अडॉप्ट टीचिंग स्ट्रेटेजी, अपनी स्ट्रेटेजीज को अडॉप्ट करना किस चीज़ पे, स्टूडेंट्स के नीड्स के हिसाब से, उनकी ज़रूरतों के हिसाब से, और जो भी चेंजिंग एजुकेशनल लैंडस्केप है। हम मान के चलिए कि आज से 20 साल पहले जो ज़रूरतें थी इस दुनिया में, वो आज के डेट में नहीं है। आज आपको कोडिंग सीखना है, कोडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसके साथ साथ आपको AI सिखाया जा रहा है। आप देखते हो क्लास 10th में ही आपके पास आ जाता है ऑप्शन कि आप जो है AI वगैरह ये सब अपने एज अ सब्जेक्ट चूज कर सको, क्योंकि देखिए टीचिंग बॉडी, जो भी गवर्निंग बॉडीज है, ये जानती हैं द इम्पॉर्टेंस ऑफ AI, ठीक है, इम्पॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर्स इन द कमिंग ईयर्स। तो ये जो है ना, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और अगर आप इन चेंजेस से भागेंगे तो बहुत बुरा हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों का ये कहना होता है कि भाई हिंदी में पढ़ाइए, बहुत सारे बच्चे कहते हैं इंग्लिश में ही पढ़ाइए। तो देखिए, हमें फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, हिंदी में भी पढ़िए, इंग्लिश में भी पढ़िए, बाइलिंगुअल भी पढ़िए। देखिए, कंटेंट जो है, मैं तो बोल रहा हूँ हिंदी में, और अगर इंग्लिश में भी लिखा रहता है ना, तब भी वो चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए, हमें फ्लेक्सिबल रहेंगे क्योंकि आने वाला जो टाइम है ना, ये ग्लोबल वर्ल्ड होने वाला है, ठीक, और ग्लोबल वर्ल्ड में किसी भी तरीके का बैरियर नहीं होना चाहिए। और अगर आप जितने ज़्यादा लैंग्वेजेस जान सकें उतना बेहतर। तो आप जो है इंग्लिश भी जानिए, हिंदी भी जानिए, हर लैंग्वेज को समझने की कोशिश करिए, किसी से भागिए मत, अपने आप को जो है ना वो एक लचीलापन अपने अंदर लाइए, फ्लेक्सिबिलिटी लाइए। अगर हम अपने अगले कैरेक्टरिस्टिक को देखें तो स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच होना चाहिए, ठीक। स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच में हमारा जो पॉइंट है ना, वो है इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है, इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन यानी व्यक्तिगत निर्देश। तो जो इंडिविजुअल स्टूडेंट्स हैं उनके नीड्स को समझिए और उसके हिसाब से स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग इन्वायरमेंट बनाइए, यानी ऐसा माहौल बनाए, तैयार करिए जो छात्र केंद्रित हो, जहाँ पे छात्र पार्टिसिपेट कर सके, स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन हो, ठीक है। स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन कैसे होगा? थ्रू क्वेश्चनिंग। आप उनसे क्वेश्चन करिए, आप उनको ब्रेन स्टॉर्मिंग करने के लिए कहिए, आप उनको ग्रुप डिस्कशन कराइए क्लास में, ठीक है। उनके हेजिटेशन को ख़त्म करने के लिए उनको आप जो है स्टेज पे बुलाइए सामने फ्रंट, और वहाँ से आके उनको कोई कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कहिए। साथ ही साथ अलग अलग वर्कशॉप जो है वो अरेंज करवाइए। इसके साथ साथ उनके उनमें आपस में जो है छोटे मोटे टेस्ट लेके भी ये कराते रहिए। पीयर लर्निंग को बढ़ावा दीजिए, ठीक है। पीयर लर्निंग मतलब जानते हो ना क्या होता है, कि स्टूडेंट्स आपस में ही पढ़ लेते हैं, फिर फ्लिप्ड क्लासरूम का यूज़ करिए। ये सारा स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है, ठीक है। हमारा दूसरा जिसमें पॉइंट आता है एक्टिव पार्टिसिपेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बात किया अभी कि कैसे आप जो है ना
चर्चाओं को, परियोजनाओं, और जैसे जो भी इंटरैक्टिव चीज़ें हैं, इंटरैक्टिव एक्टिविटीज़ को जो है कंडक्ट करके और लर्निंग एक्सपीरियंस को बेहतर बना सकते हो। इंटरैक्टिव एक्टिविटीज़ क्या हो सकती हैं? मान लो आपने LMS का यूज किया, जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है, उसका यूज करके एक ऐसा टेस्ट डिज़ाइन किया जिस टेस्ट में बच्चे इंटरैक्ट कर सकते हैं उस क्वेश्चन में। मान लो कि आपने एक तो नॉर्मल तरीका हो गया कि आपने पूछ लिया कोई क्वेश्चन, बच्चे ने जवाब दे दिया, और एक तो ये तरीका हो गया कि बच्चे घर पे गए और उनको आपने कंटेंट प्रोवाइड किया, वहाँ वो गए, वहाँ पे वो कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर रहे हैं, इंटरेक्ट करके कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर उनसे पूछ रहा है, वो उसका जवाब दे रहे हैं, तो एक पॉइंट मिल रहा है। तो एक तरीके से जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है, गेमिफिकेशन। ठीक है, देखिए ये सारी चीज़ें जो आपको बता रहा हूँ, ये JRF आपको दिलाने में बहुत मदद करेगी, और ये क्वेश्चंस में आता भी है। तो देखिए गेमिफिकेशन क्या होता है, एक ऐसा पढ़ाई जिसमें गेम्स की तरह जो है ना लेवल्स जो है डिसाइड कर देते हो आप। LMS में जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसमें ऐसे तरीके से आप पढ़ाते हो कि जैसे कॉन्सेप्ट्स को एक तरीके से गेम्स की तरह लेवल बाई लेवल, लेवल वन लेवल टू, जैसे लेवल वन क्लियर करने पर लेवल टू पर आप जाओगे, लेवल टू पर जाने के बाद लेवल थ्री पर जाओगे, तो अलग अलग आपको जो है लेवल्स के हिसाब से अलग अलग अचीवमेंट रिवॉर्ड मिलेगा। वो रिवॉर्ड भले ही बड़ा ना हो, लेकिन एक जो है इससे क्या होता है ना कि बच्चों में आजकल गेम्स का बड़ा शौक हो गया है, तो उसके हिसाब से उनको पढ़ा दीजिए, तो वो भी एक तरीका है। तो उससे एक्टिव पार्टिसिपेशन बढ़ता है, फोकस जो है वो एनहेंस होता है, और बच्चे बोर भी नहीं होते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगले पॉइंट पे आए तो जो नैतिकता और व्यावसायिकता जो है ना, यानी एथिक्स एंड प्रोफेशनलिज्म, ये हमारा अगला जो है करेक्टरिस्टिक है। इसमें प्रोफेशनल एथिक्स जो हम देखते हैं कि जैसे अपहोल्डिंग एथिकल स्टैंडर्ड्स, ठीक है, तो जो नैतिक मानक है ना उसको कायम रखने के लिए टीचर्स जो है ना उनको ऑनेस्ट होना चाहिए, इंटीग्रिटी उनके अंदर होना चाहिए, और डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट कर सकें। देखिए एक आपने कोट सुना होगा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब होता है ना कि ये हमारे इंडिया में ये देखा जा सकता है कि हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा जो है डाइवर्स लोग रहते हैं। साउथ में चले जाओ तो वहाँ अलग तरीके का लैंग्वेज, अलग तरीके के लोग, उनका खान पान अलग। नॉर्थ में आ जाओ तो यहाँ पे अलग, नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ तो वहाँ पे बिल्कुल अलग। अगर आप चले जाते हो हिमालयन रीजन में तो वहाँ पे बिल्कुल अलग। तो देखिए कितना ज़्यादा डाइवर्सिटी है, उसके बावजूद हमारे यहाँ यूनिटी है। ठीक है, तो जो हमें जो चीज़ें सिखानी है वो अखंडता की सिखानी है। हमारे विविधता में भी जो अखंडता है ना, वो चीज़ें हम सिखाएं, उसको जो है हम फॉस्टर कर सके, उसको हम बढ़ावा दे सकें अपने टीचिंग के थ्रू। तो ये करैक्टरिस्टिक होना चाहिए, एथिक्स होना चाहिए, और प्रोफेशनलिज्म यानी एक प्रोफेशनल बिहेवियर होना चाहिए। और ये चीज़ें क्या होता है, अगर आप प्रोफेशनल हो तो आप किसी चीज़ को अगर कर रहे हो तो एक बेहतर ढंग से आप करते हो, है ना, एक प्रोफेशनल तरीके से करते हो, किसी भी चीज़ को आप बस यूं ही नहीं कर देते, तो वो एक टीचिंग का करैक्टरिस्टिक माना जाता है। देखिए बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ आपको, और इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको जो है मैं दिखाना चाहता हूँ कि कैसे पेपर वन को बेहतर तरीके से जो है पढ़ाया जाता है और कैसे उसको बेहतर तरीके से तैयार किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर किया जा सके। मैं फिर से कहूँगा कि मॉक टेस्ट वगैरह आपको लगाना बहुत ज़रूरी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाना बहुत ज़रूरी है, उस पर भी ध्यान दीजिएगा। तो देखिए अगला हमारा करैक्टरिस्टिक्स है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। तो आज के डेट में टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है टीचिंग में, तो हमें टेक लिटरेसी पर ध्यान देना चाहिए, यानी जो टीचर्स हैं ना मॉडर्न टीचर्स, इनको टेक्नोलॉजी को जो है वो अपने जो भी टीचिंग है ना उसमें यूज करना चाहिए, है ना। तो इससे क्या होगा कि हम टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी जो स्टूडेंट्स के हैं ना उसको भी हम ध्यान में रख पाएंगे, उसको हम मीट कर पाएंगे। ठीक है, तो जो टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी है स्टूडेंट्स का, इसको ध्यान में रखने के लिए टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन बहुत ज़रूरी है, टेक लिटरेसी ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए तकनीकी साक्षरता जो है ना, आधुनिक शिक्षक शिक्षण को बढ़ाने और छात्रों को तकनीकी साक्षरता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी को शामिल करते हैं, है ना। दूसरा है हमारे पास डिजिटल रिसोर्सेज, तो यूटिलाइजिंग डिजिटल रिसोर्सेज डाइवर्सिफाइज इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स। ठीक है, तो जो हम डिजिटल रिसोर्सेज का यूज करते हैं, आज के डेट में आप देखोगे कि आप गूगल पे कुछ सर्च कर लेते हो, आपको ऑथेंटिक रिसोर्स से कंटेंट मिल जाता है, आपको वेट नहीं करना पड़ता, कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको पढ़ाई करने में तो आप तुरंत उसका जो है निवारण कर लेते हो, कैसे, डिजिटल रिसोर्सेज के थ्रू। तो इसका भी यूज करना एक टीचर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे टीचिंग लर्निंग बेहतर बनता है। जो मटेरियल होता है ना वो डाइवर्सिफाई हो जाता है,
यानी उसमें भी विविधता आ जाती है, अलग अलग पर्सपेक्टिव जानने को मिलता है और अलग अलग लर्निंग प्रेफरेंसेज होते हैं ना, तो उनको भी टीचर केटर कर पाता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। और लाइफ लॉन्ग लर्निंग पर ध्यान देना चाहिए, यानी कि देखिए जो लर्निंग है ना वो हमेशा चलती है। मैं बार बार ये पिछले लेक्चर में बताया था मैंने कि वोम टू टूम चलने वाली चीज़ है लर्निंग, वोम टू टोम। तो वोम टू टूम का मतलब क्या होता है कि आप जो है लर्निंग करा रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ आप अभी के लिए नहीं करा रहे हो, आप ये लर्निंग जो है ना वो जीवन पूरे आजीवन जो है ना वो चलती रहेगी। और इससे क्या होता है, अ कमिटमेंट टू कंटिन्यूस लर्निंग थ्रू, कैसे भाई, वर्कशॉप के थ्रू, ठीक है, यानी कि कार्यशालाओं के थ्रू, कोर्सेज यानी पाठ्यक्रम के थ्रू। और इससे क्या होता है ना कि जो भी आज के शैक्षिक रुझान है उसके बारे में भी हम जो है ट्रेंड्स के बारे में जान पाते हैं। अगर लगातार हम वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं, कोर्सेज के बारे में जान रहे हैं, तो इससे हम अपडेटेड रह पाते हैं, ठीक है। और लाइफ लॉन्ग लर्निंग तो प्रमोट होता ही है, तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक्स सिर्फ आप सिर्फ करिकुलम में जो बुक्स हैं उनको ना पढ़िए, आप एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ें भी करिए। देखिए आपको जो है लर्निंग सिर्फ और सिर्फ कोई एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए नहीं करना है, यहाँ पे चूंकि हम लोग एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप लर्निंग को पैसन बना लोगे ना, तो जैसे एक टीचर टीचिंग को पैसन बना लेता है, वैसे एक लर्नर को भी लर्निंग को पैसन बना लेना चाहिए, है ना। तो आई होप कि ये कंटेंट जो भी मैं आपको दे रहा हूँ वो अच्छा लग रहा हो, मज़ा आ रहा हो क्लास में। अगर आपको मज़ा आ रहा है तो नीचे जो है ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसा लगा। आगे बढ़ते हैं और हम अब आ जाते हैं आज के अपने दूसरे जो टॉपिक है हमारा, ये है बेसिक रिक्वायरमेंट टीचिंग के लिए क्या क्या चाहिए, ठीक। तो हमने टीचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिया कि क्या क्या चाहिए, अच्छे से देखा, पूरे डिटेल में देखा, और अब हम देख रहे हैं बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर टीचिंग। तो सबसे पहला है कि भाई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो ज़रूरी है। देखिए कोई भी टीचर किसी भी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा सकता, कोई अच्छा है मैथ्स में वो मैथ्स को पढ़ाता है, कोई फिजिक्स अच्छा है फिजिक्स में पढ़ाता है, कोई जो है किसी का जो है वो रुझान है आप कहें तो साइंस में बायोलॉजी में, तो कोई केमिस्ट्री को पसंद करता है, तो अलग अलग चीज़ें होती हैं। अब उसमें अलग अलग क्वालिफिकेशन होता है, तो एक टीचर को अच्छे बेहतर से बेहतर जो भी क्वालिफिकेशन हो वो पोजेस करने चाहिए, सर्टिफिकेशन जो भी ज़रूरी है वो करने चाहिए। जैसे आप जैसे बीएड, तो बीएड जो है ज़रूरी है, इसके साथ साथ अगर प्रोफेसर हैं तो अगर वो पीएचडी हैं, ठीक है, तो वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक। उनके कितने रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं ये इम्पॉर्टेंट रहता है, वो कितने स्कॉलर्स को जो है अभी तक उनके अंडर कितने स्कॉलर्स जो है उन्होंने पीएचडी किया है वो इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आ जाती हैं, जो कि एक टीचर के लिए इम्पॉर्टेंट होता है और टीचिंग के लिए भी। हमारा दूसरा पॉइंट है सब्जेक्ट नॉलेज, जो विषय का ज्ञान है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए विषय वस्तु की संपूर्ण समझ होनी चाहिए, यानी कि अंडरस्टैंड जो सब्जेक्ट मैटर होना है उसमें मास्टरी चाहिए। अगर एक टीचर है और उसको अपने सब्जेक्ट मैटर में मास्टरी है तो उस चीज़ को इतने बेहतर ढंग से समझा पाएगा कि वो लर्नर कभी लाइफ लॉन्ग उस चीज़ को नहीं भूलेगा, ठीक है। हमारा तीसरा पॉइंट है कम्युनिकेशन, इसके लिए टीचर का जो संचार कौशल है वो बेहतर होना चाहिए। जो भी कम्युनिकेशन करे वो क्लियर करे, ठीक है, स्पष्ट तरीके से और प्रभावी तरीके से, यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन करे वो। चौथा है हमारा क्लासरूम मैनेजमेंट अच्छे से आना चाहिए टीचर को, क्योंकि इवेंचुअली यू आर गोइंग टू हैंडल अ क्लासरूम, ठीक है, आप एक क्लासरूम को हैंडल करने वाले हो, तो आपको कक्षा प्रबंधन आना चाहिए। एक ऑर्गेनाइज यानी संगठित और अनुशासित यानी डिसिप्लिन्ड तरीके का क्लासरूम अगर आप इस्टेब्लिश कर पाते हो तो दैट इज वेरी नाइस फॉर टीचर, ठीक है। अगर हम बात करें अपने पांचवें पॉइंट की, तो यह अडैप्टेबिलिटी, हमने बात किया कि कैसे फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन कितना इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बात करें अडैप्टेबिलिटी की, तो अनुकूलनशीलता की, तो इसमें शिक्षण विधियों को अनुकूलित करने का जो लचीलापन है यानी फ्लेक्सिबिलिटी टू अडॉप्ट टीचिंग मेथड्स, ठीक है, अपने मेथड्स को भी अडॉप्ट कर पाओ, जो भी चेंजेज आ रहे हैं उसको अडॉप्ट कर पाओ। मान लीजिए दिन पर दिन जो है वो करिकुलम चेंज हो रहा है, सिलेबस चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजीज नए नए आ रही हैं, नए नए सब्जेक्ट्स जो है वो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, उसके हिसाब से लर्नर के नीड्स भी बदल रहे हैं। जॉब्स जो हैं उनका जॉब्स जो है टाइप ऑफ जॉब्स बदल गए हैं आज के डेट में। देखोगे कि डेवलपर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि भाई डेवलपर बहुत लोग बनना चाहते हैं, बहुत लोग जो है टेस्टर बनना चाहते हैं, तो उस तरीके से फिर आपको भी तो अडॉप्ट करना होगा एक एज अ टीचर, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए शिक्षण के प्रति जुनून भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसन फॉर टीचिंग। इफ़ यू आर टीचिंग जस्ट फॉर जो है मनी, तो फिर वो चीज़ जो है ना कभी आपको परेशान करने लगेगी। तो एक जेन्युइन पैसन होना चाहिए टीचिंग के लिए, और जो टीचर है ना वो लाइफ लॉन्ग लर्नर होता है, ये भी ध्यान रखिए।
मैं भी अगर आपको यहाँ कुछ पढ़ा रहा हूँ ना, तो मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो जो शिक्षण और सीखने के प्रति वास्तविक जुनून है ना, वो होना चाहिए एक टीचर के अंदर। ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट में आ जाता है। अब चले सातवें पॉइंट पे, तो ये है कि भाई पेशेंस एंड एम्पथी होना चाहिए, धैर्य और सहानुभूति। ठीक है कि भाई जो भी छात्र है ना, उनके अलग अलग आवश्यकताएं हो सकती हैं, डाइवर्स नीड हो सकते हैं, और वो आपको परेशान भी कर सकती हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, लेकिन एज अ टीचर आपको वो परेशान नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए उन चीज़ों को समझने के लिए और उस चीज़ों को बेहतर ढंग से हैंडल करने के लिए। आपके क्लास में हो सकता है कि बहुत ही नोटोरियस बच्चे हो जाएं, बहुत बदमाश बच्चे भी आ जाएं, तो ऐसा ना हो कि आप जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और बहुत ही अलग तरीके से फिर एक्ट करने लगे। नहीं, आपको जो है अपना धैर्य नहीं, अपना आपा नहीं खोना है। असेसमेंट स्किल्स आपके अंदर होने चाहिए, क्योंकि आप जो पढ़ा रहे हो उसको असेस भी करना होगा। तो आप जो है कितने अच्छे टेस्ट डिजाइन कर पाते हो, किस तरीके से अपने कंटेंट को जो है बच्चों को देके और उनसे फिर उसके बारे में जान सकते हो और एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे पाते हो, यानी एक रचनात्मक प्रतिक्रिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है देना, ताकि वो बच्चे जो है ना, वो अपने जो भी उनके कहते हैं ना कि भाई वीकनेसेस हैं, उनको जान पाए। तो देखिए, स्वॉट एनालिसिस एक टीचर के बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्वॉट एनालिसिस क्या होता है? जो स्ट्रेंथ है, जो वीकनेस है, जो अपॉर्चुनिटी है और जो थ्रेट है। तो आप बच्चों को ये चीज़ समझाओ कि उनका क्या क्या स्ट्रेंथ है, क्या क्या वीकनेस है, कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और किन चीज़ों से उनको थ्रेट है, ये चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है। ठीक, टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी, हमने बात किया कि भाई कैसे एक तकनीक का साक्षरता एक इम्पॉर्टेंट है। भाई आज के डेट में अगर आप टेक्नोलॉजी से रूबरू नहीं हो, अगर आपके पास टेक्निकल लिटरेसी नहीं है, तो यू आर गोइंग टू फेस प्रॉब्लम्स, क्योंकि हर चीज़ टेक्निकल हो गया है। देखिए, आज को आपका ये लेक्चर मैं ले रहा हूँ, तो ये भी जो है ना, बहुत सारा इसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, तब जाके ये लेक्चर हो पा रहा है कम्प्लीट। ठीक है, इसमें लैपटॉप है, इसमें जो है पेनटैब इन्वॉल्व है, इसके साथ साथ इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, इसमें PPT बिल्ड किया जा रहा है, इसके साथ साथ इसको रिकॉर्ड कैसे करोगे एंड हाउ यू आर गोइंग टू एडिट इट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, तो टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसके साथ साथ प्रोफेशनल डेवलपमेंट, यानी कि जो आपका व्यावसायिक विकास है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो एंगेज इन कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, लगातार जो है अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट के ऊपर भी ध्यान दीजिए। एक प्रोफेशनल जो टीचर है ना, वो एक कहते हैं कि टीचिंग इज़ अ नोबल प्रोफेशन, इसे माना गया है। ठीक है, टीचिंग इज़ अ नोबल प्रोफेशन, तो आप जो है ना उसके हिसाब से आपको एक्ट भी करना होता है नोबल। ठीक है, तो ये है हमारा जो 11वां पॉइंट आता है, ये है इंटरपर्सनल स्किल, यानी कि जो पारस्परिक कौशल है, एक दूसरे से आप कैसे बात कर पाते हो, कैसे लोगों को समझ पाते हो, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस कितना तेज है, आपका जैसे आप जो है बच्चों को कैसे समझ पाते हो, कैसे एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्ड कर पाते हो अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने विद्यार्थियों के साथ, ताकि वो आपसे अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकें, अपने कॉलिग से कैसा आप बिहेव करते हो, और पेरेंट्स से, तो मान लीजिए कि यहाँ पे दिया हुआ है, पेरेंट्स से तो आपको करना ही चाहिए, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जो टाइम मैनेजमेंट, यानी समय का जो प्रबंधन है ना, उसको आप कैसा कर पाते हो, क्या आप जो है टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर पाते हो कि नहीं, क्योंकि देखिए आपको एक लिमिटेड टाइम ही मिलेगा क्लासरूम में। देखिए, यूजुअली 45 मिनट्स का आपको एक लेक्चर मिलता है, और 45 मिनट के लेक्चर में आप कैसे अपने पिछले दिन के दिए हुए होमवर्क को भी चेक कर ले रहे हो, कैसे अपना क्लास वर्क भी करा दे रहे हो, इसके साथ साथ कब आपको यूनिट टेस्ट लेना है, कब आपको क्लास टेस्ट या सरप्राइज टेस्ट लेना है, तो ये सारे कैसे, कब आपको कॉपीज चेक करनी है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है, और ये सारा चीज़ तभी पॉसिबल हो पाएगा इफ़ यू आर गुड एट टाइम मैनेजमेंट। तो एक टीचर जो है ना, उसको एक टाइम मैनेजमेंट बेहतर आना ही चाहिए, यानी समय का प्रबंधन उसका बेहतर होना चाहिए, तभी वो कुशलतापूर्वक अपने काम को कर पाएगा। तो ये था हमारा 12 पॉइंट। ये 13वें पॉइंट पे अगर हम आए, तो एथिकल स्टैंडर्ड्स, यानी कि जो नैतिक मानक होना चाहिए ना टीचर में, वो बेहतर होना चाहिए। देखिए, अपने एथिक्स के साथ कभी भी खिलवाड़ ना करें टीचर, ठीक है, और ना ही उससे समझौता करें। ठीक, एथिक्स मतलब जो नैतिक मानक है, उसके जो नैतिक सिद्धांत है, उनका पालन करें, और इसके साथ साथ जो है इंटीग्रिटी बनाए रखे, सत्यनिष्ठा बनाए रखे, ऑनेस्टी में कोई कमी ना हो, है ना। एक टीचर को ऑनेस्ट होना चाहिए। आज के डेट में देख रहे हो कि बहुत ऑनलाइन जब से ये ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, ये देखने को मिल रहा है कि टीचर्स जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा बिजनेस ओरिएंटेड होते जा रहे हैं। नहीं, आपको देखिए, हम ज्ञानस्थली पे भी यही करते हैं कि ज्ञानस्थली पे आपको कम से कम, मैं भी जो है मैम से ही पढ़ा हूँ, और देखिए आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं मैम जो है फ्री क्लासेस तक देती हैं, लेकिन एक सिस्टम को जो है ना, वो हैंडल करने के लिए आपको जो है मिनिमम चार्ज करना ही पड़ता है, लेकिन फिर भी देखिए कि क्या लोग चार्ज कर रहे हैं और क्या ज्ञानस्थली आपको प्रोवाइड कर रहा है, जिस भी अमाउंट में कर रहा था, है ना। तो एक एथिकल स्टैंडर्ड मेंटेन रखना चाहिए हमें। हमारा जो 14वां पॉइंट है, ये है स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच होना चाहिए जो टीचिंग है उसका,
टीचिंग देखिए पहले वाली जो बातें थी वो अलग थी, वो टीचर सेंटर्ड। अब नई शिक्षा नीति जो आई है, जो नई एजुकेशन पॉलिसी हमारी आई है 2020 वाली, इसमें भी पूरी तरीके से स्टूडेंट सेंटर्ड चीज़ें बताई जा रही हैं। इसमें बताया जा रहा है कि भाई देखिए, अगर आप हो सकता है कि आप बैचलर्स जो है वो अलग स्ट्रीम से किए हो, तो अब आपको मास्टर्स किसी भी स्ट्रीम से करने का मौका दिया जाएगा, ये नई शिक्षा नीति में है। दूसरा, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि क्रेडिट सिस्टम आ गया है, ठीक है, तो एक आपका ABC यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बन गया है। इसके साथ साथ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच आ गया है, और आप जो है एक डिसिप्लिन से दूसरे डिसिप्लिन में, मतलब एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में जाने में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये सारा स्टूडेंट सेंटर अप्रोच है। इसके साथ साथ देखा जा रहा है कि बहुत सारे, जैसे स्वयं है, स्वयं एक आप जानते हो ना कि गवर्नमेंट द्वारा ये एक तरीके का जो है पूरा का पूरा एक चैनल का पूरा वो है, ठीक है, तो स्वयं के थ्रू कैसे जो है स्टडी वेब्स आपके लिए क्रिएट किए गए हैं, ताकि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड किया जा सके फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके साथ साथ कितने सारे DTH चैनल्स जो है आपके डायरेक्ट टू होम में 24 आवर्स चलते रहते हैं, ठीक है, और वहाँ पर बेहतर बेहतर एजुकेटर, जो यहाँ तक कि IITs के एजुकेटर्स हैं, जो IISc बेंगलोर से और कहाँ कहाँ से नहीं, उसमें वो पढ़ाते हैं प्रोफेसर्स, ठीक, क्यों फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों करा रहा है, ये स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच के लिए, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है, ठीक है। इसके बाद हम देखें अपने आखिरी बेसिक रिक्वायरमेंट जो यहाँ पे हमने लिस्ट किया है इसमें, तो ये इंक्लूसिव टीचिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है, तो अलग अलग जो पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे हैं, देखिए आपके क्लासरूम में एक गरीब बच्चा भी आ सकता है और एक अमीर बच्चा भी आ सकता है, तो आप एज अ टीचर इन दोनों में भेद ना करते हुए इन दोनों के नीड्स को आप केटर करना आपका काम है, इन दोनों की ज़रूरतों के हिसाब से इनको देना, ठीक। अब देखिए, एक बच्चा जो है हो सकता है कि भाई उसको कोई ना कोई रिटार्डेशन हो, उसको कोई लर्निंग डिसेबिलिटी हो, ठीक, आप मान के चलिए कि कोई बच्चा है जिसे ADHD है, ठीक है, तो हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है ना ये, कि एक्यूट ऐसे करके कुछ इसका हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है, तो ये है। या फिर अगर कोई बच्चा है जिसको कोई और लर्निंग डिसेबिलिटी है, ठीक, तो वो चीज़ जो है ना, वो आप जो है उसको केटर करना वो आपका काम है एज अ टीचर, ठीक, एज अ फैसिलिटेटर अगर कह सकें, टीचर को जो है आजकल फैसिलिटेटर ही बोला जा रहा है, तो एज अ फैसिलिटेटर आपका क्या काम है कि ऐसे बच्चों को आप जो है कैसे केटर करें। अच्छा, यहाँ इसका याद आ गया, अटेंशन डेफिसिट होता है ये, अटेंशन डेफिसिट, ठीक है, ऐसे बच्चे ध्यान नहीं दे पाते हैं क्लासरूम में, ठीक है, हाइपर एक्टिविटी और डिसऑर्डर होता है ये अटेंशन, तो ये अटेंशन नहीं दे पाते हैं ज़्यादा, तो इनको कैसे हैंडल करना है ये आपको आना चाहिए। जो टीचिंग प्रैक्टिस हो वो बच्चों के हिसाब से होना चाहिए, कोई ब्लाइंड भी अगर हो, कोई डेफ भी हो, तो उसके लिए भी आपके पास कुछ ना कुछ लर्निंग मटेरियल, कुछ ना कुछ टीचिंग मेथोडोलॉजी वैसी होनी चाहिए, ताकि इंक्लूसिव टीचिंग हो सके, ठीक है। गवर्नमेंट भी इसी चीज़ को बढ़ावा देना चाहता है कि जो बच्चे हैं ना, जो क्लासरूम है उसे इंक्लूसिव बनाया जा सके, उनको अलग थलग महसूस ना हो, तो जो समावेशी शिक्षण प्रथाएं हैं इनको बढ़ावा देना एक टीचर का काम है। और देखिए, मीटिंग दिस रिक्वायरमेंट्स एनश्योर्स दैट डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव एजुकेटर्स, अगर ये रिक्वायरमेंट्स मीट हो रहे हैं तो जो एजुकेटर होगा ना वो एक प्रभावी शिक्षक बनेगा, ये जो शिक्षक होगा एक प्रभावी शिक्षक होगा, और इससे क्या होगा, उससे होगा एक सकारात्मक और समृद्ध जो है ना सीखने का पूरा माहौल है वो क्रिएट होगा, एक पॉजिटिव एंड एनरिच लर्निंग एक्सपीरियंस जो है वो बच्चों को मिल सकेगा, ठीक है। तो ये था बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर टीचिंग, बहुत ही डिटेल में कवर किया है हमने टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक को और इसके बेसिक रिक्वायरमेंट्स को, और आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आया हो, ये जो है क्लास में आपको मज़ा आया हो। अब एक कंक्लूज़न देख लेते हैं, और कंक्लूज़न देख के और इस क्लास को वाइंड अप करेंगे। तो जो टीचिंग है, जो शिक्षण है, वो क्या डिमांड करता है, देखिए यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किया उस चीज़ को ध्यान दीजिए, टीचिंग जो है ना वो सब्जेक्ट एक्सपर्टीज डिमांड करता है, इसके साथ साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, यानी कि जो आप संचार कर रहे हो वो इफेक्टिव होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए, इसके साथ साथ अनुकूलनशीलता होनी चाहिए, यानी अडैप्टेबिलिटी, आप अडॉप्ट कर पाओ चेंजेस को, एज जो भी इन्वायरमेंट है उसको अडॉप्ट कर पाओ, चेंजेस को अडॉप्ट कर पाओ, टेक्नोलॉजी में आपको जो है परिपूर्ण होना पड़ेगा, और एक जेन्युइन पैशन होना चाहिए आपके अंदर, ठीक है, एक जो कहते हैं ना कि वास्तविक जुनून होना चाहिए। देखिए, बिना जुनून के टीचिंग आप नहीं कर पाओगे, टीचिंग एक आसान काम लगता जरूर है लेकिन है नहीं, ठीक।
दूसरी चीज़ है कि जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहले तो भाई शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, आप टीचर बनने जा रहे हो तो आपके पास वो डिग्रीज और सर्टिफिकेट तो होने ही चाहिए। इसके साथ साथ तकनीकी साक्षरता यानी टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी, सहानुभूति होनी चाहिए, एम्पथी होनी चाहिए, दूसरों के पैरों में खड़े होकर देख सको, आप बच्चों के पर्सपेक्टिव भी समझ सको, और इसके साथ साथ एक कमिटमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो आप जो है ना एक प्रतिबद्धता जो जिसे बोलते हैं कमिटमेंट बोलते हैं वो हो सके, ताकि क्या हो सके निरंतर व्यवसायिक विकास हो सके टीचर का, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो सके, इन चीज़ों को अगर ध्यान में टीचर रखता है। और जो हमारा आखिरी कंक्लूडिंग पॉइंट है वो है कि इफ़ वी स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन स्ट्रक्चर्ड क्लासरूम मैनेजमेंट एंड स्टूडेंट सेंटर्ड, अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं एक समावेशिता का मूल्यांकन करते हुए संरचित, देखिए कक्षा प्रबंधन और छात्र केंद्रित दृष्टिकोण के बीच अगर मैं संतुलन बरकरार रख पाता हूँ, अगर संतुलन बना लेता हूँ, बैलेंस क्रिएट कर लेता हूँ, किसके बीच में, एक स्ट्रक्चर्ड क्लासरूम मैनेजमेंट के बीच में और एक स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच के बीच में, और किस चीज़ को ध्यान देता हूँ, इंक्लूसिवनेस को, ठीक है, तो अगर मैं इंक्लूसिवनेस को ध्यान में रखता हूँ ना, तो इससे क्या होता है, सबको अगर मैं लेकर चलता हूँ, चाहे वो ब्लाइंड हो, चाहे वो डेफ हो, चाहे उसे लर्निंग डिसेबिलिटी हो, चाहे वो एक नॉर्मल हो, चाहे बहुत ज़्यादा तेज हो पढ़ने में विद्यार्थी, अगर सबको मैं ध्यान में रखता हूँ, इससे क्या बनता है, एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव और एक समृद्ध शैक्षिक अनुभव जो है ना वो बनता है, एक एजुकेशनल एक्सपीरियंस ऐसा बनता है कि स्टूडेंट भी अगर आपसे पढ़ के जाए तो कहे कि हाँ मुझे कुछ सीखने को मिला। तो ये होता है एक टीचिंग का प्रोफेशन, ये होता है एक जो शैक्षणिक प्रोफेशन जिसे बोलते हैं वो। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको एकदम बेहतर ढंग से समझ में आया हो, और नोट्स आपको हम प्रोवाइड कर ही रहे हैं, और मैं फिर से कहता हूँ कि आप हमसे जुड़िए, हमारे इस एकलव्य बैच से जुड़िए, देखिए आपको कितना बेहतर कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है और किस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, ये भी आपने देख लिया, और आपने ये भी देखा कि कैसे PPT यहाँ रेडी होता है, कितना ज़्यादा डिटेल में कवर कराया जा रहा है, और टाइम भी हमारे पास एम्पल है, तो हमें टाइम की भी कमी नहीं है। देखिए बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रखा गया है, ओनली 1500 रुपीज़, ठीक है, तो ओनली 1500 रुपीज़ है, और इस पर अगर आप कूपन लगा लेते हो ना, ये PS, ठीक है, 100, PS100 अगर आप कूपन लगाते हो तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो देखिए कि कितना, ये पेपर वन के बारे में बता रहा हूँ, तो ये हमारा पेपर वन का एक क्लब बैच है, और देखिए कि कितना बेहतर जो है ये प्राइसिंग में आपको इस टाइप का कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। गणस्त्री को अगर आपने टेलीग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो वहाँ फॉलो करिए, इसके साथ साथ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और उनको बताइए कि कितना बेहतर कंटेंट दिया जा रहा है यहाँ ज्ञानस्थली पे, और इसके साथ साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आशा करता हूँ कि आप इस बैच को ज्वाइन करोगे, और फिर हम मिलेंगे अपने बैच में एक बेहतर ढंग से जून 2024 वाले एग्जाम को JRF के थ्रू के क्लियर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, एंड यू एंड योर लव्ड वंस हैव अ नाइस डे।